Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NTNET 2020 most expected topics on higher education part 13, and this video lecture is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about Atal Ranking of Institutions on Innovation. But before that, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब लाइक कर दें एंड मेरे वीडियो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उनको शेयर करें, राइट. एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन का पार्ट चल रहा है, इसकी सीरीज चल रही है एंड वो आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके हायर एजुकेशन का पार्ट है ये, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन. इसके पहले मैंने आपको टाइम्स रैंकिंग के बारे में आपको बताया हुआ है, निर्फ रैंकिंग के बारे में बताया है. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं. आज जो हम बात करने वाले हैं ये एरिया 2020 की हम बात करने वाले हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन 2020. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ARIA is an initiative launched by the Ministry of Education MOE and implemented by the All India Council for Technical Education ACTI and Ministries Innovation Cell Government of India. तो यहाँ पर ARIA जो है एक initiative है, ARIA जो है वो एक initiative है जिसे कि Ministry of Education ने launch किया हुआ है. अब आप पूछेंगे कि Ministry of Education क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ. Ministry of Human Resource Development यानी कि MHRD जो ministry है उसने launch किया था. अब जैसा कि आप जानते हैं कि Ministry of ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD अब चेंज हो गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है. तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ARIA है वो एक इनिशिएटिव है जो कि MHRD ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑल्सो इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इम्प्लीमेंट किया है एंड मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल. नाउ रिसेंटली द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIA 2020 rankings was announced. अभी अगस्त में ही इसकी जो रैंकिंग है ये अनाउंस की गई है, 2020 rankings अनाउंस की गई है. Around 674 institutions participated in the ARIA rankings in 2020 compared with 496 in 2019. अगर हम बात करें कि 2019 की बात करें कि यहाँ पर 496 institutions ने participate किया था, now 2020 में 674 institutions ने participate किया है and ये जो rankings निकली हैं ये 674 institutions ऊपर ही बनाई गई हैं. नाउ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स. नाउ मूविंग ऑन, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिस्टमैटिकली रैंक ऑल द मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ऑन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज. तो ये जो इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की उनको सिस्टमैटिकली रैंक करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्या ये ARIA इनिशिएटिव क्या ये आउट ऑफ इंडिया भी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है? नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उनको रैंक नहीं करता है. ये
इंडिया की ही जो हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे ही उन इंडिकेटर्स के, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे इनकी रैंकिंग होती है. Now more than quantity, ARIA focuses on quality of innovations and tries to measure the real impact created by these innovations nationally and internationally. So यहाँ पर quantity से ज़्यादा जो ARIA focus करता है वो quality पे focus करता है. How the quality of innovations is and tries to measure the real impact created by these innovations. अगर किसी भी higher education institutions में innovation हुआ है nationally and internationally basis पे, तो उसका real impact क्या है. Now, what do you mean by innovation? Innovation हम किसको कह सकते हैं? जो भी ideas आते हैं, उनको जो भी inventions हमें करनी होती हैं, उन inventions को हम लॉन्च करते हैं, उन इन्वेंशंस को हम करते हैं, उन आइडियाज़ को हम रखते हैं. नाउ ये जो आइडियाज़ क्या क्रिएट करते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है. अगर वो इम्पैक्टफुल है तो दोज आइडियाज़ आर आल्सो कॉल्ड एज इनोवेशंस. उन आइडियाज़ को हम इनोवेशंस कह सकते हैं. सो ARIA फोकस करता है क्वालिटी पे मोर देन क्वान्टिटी. नाउ मूविंग ऑन, मेजर इंडिकेटर्स फॉर कंसिडरेशन, जो इंडिकेटर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग रैंकिंग्स के टाइम पे, तो द फर्स्ट वन इज़ बजट एंड फंडिंग सपोर्ट. जो फर्स्ट है वो है बजट फंडिंग सपोर्ट. सॉरी, यहाँ पर आई थिंक नंबर्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ है. सो फर्स्ट है बजट एंड फंडिंग सपोर्ट. यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या हायर इंस्टीट्यूशंस में बजट कैसा है, उनका फंडिंग सपोर्ट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं. वन इज़ बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़. नाउ प्रमोशंस एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन. द थर्ड वन, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो फर्स्ट क्या है कि बजट कैसा है उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अवेयरनेस एंड प्रमोशंस कैसे करते हैं वो इनोवेशंस के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अगर एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोवाइड करते हैं तो उनका डेवलपमेंट कैसा है, उनको कितना प्रमोट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस में. नेक्स्ट है इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज. तो जो भी उनके कोर्सेज या मेथड्स होते हैं वो कैसे हैं, इनोवेटिव लर्निंग होती है या नहीं होती है. द नेक्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कमर्शलाइजेशन. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कमर्शलाइजेशन, कितना कमर्शलाइजेशन है, कितना टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाता है. The next and the last one is innovation in governance of the institutions. And जो भी institutions का governance किया जाता है, उसको संभाला जाता है, वो कितना innovative है. So basically this is all depend on innovation. जो ARIA की rankings होती हैं वो सारे parameters को, सारे indicators को ध्यान में रखते हुए होती हैं, and it is basically based on innovation. Now moving on, ARIA ranking will certainly inspire Indian institutions to reorient their mindset and build ecosystems to encourage high quality research, innovation and entrepreneurship. So, ये जो ARIA ranking है ये inspire करता है Indian institutions को कि वो अपने mindset को फिर से दोबारा से reorient करें, दोबारा से बनाएं, एंड एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप करें टू डैट एनकरेज हाई क्वालिटी रिसर्च, जहाँ पर हाई रिसर्च, हाई क्वालिटी का रिसर्च हो, इनोवेशन हो एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी हो. मोर देन क्वांटिटी, ARIA विल फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ इनोवेशन एंड विल ट्राई टू मेजर द रियल इम्पैक्ट created by these innovations nationally and internationally. जैसा कि मैंने ये पहले डिस्कस किया है कि quantity से ज़्यादा ARIA quality पे focus करता है, innovation पे focus करता है, उनका real impact क्या है nationally and internationally basis पे. Moreover,
ARIA will set tone and direction for institutions for future development, for making them globally competitive and in forefront of innovation. Moving on parameters, the first one is teaching, learning and resources. These parameters are related to the core activities of any place of learning. कोई भी place of learning है, चाहे वो college हो, चाहे वो university हो, और जिस हर तरह की, मतलब हर type की university की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे place of learning की बात हो रही है, जहाँ पे higher education provide किया जाता है, वहाँ की core activities से ही related है. Core activities का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा activities होती हैं, and वो bases हैं. ठीक है, तो टीचिंग एंड लर्निंग यानी उनका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैसा है, रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं. द सेकंड वन इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस. उन इंस्टीट्यूशंस में, उन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, रिसर्च किस बेसिस पे होता है, कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है. Now the next one is excellence in teaching and learning is closely associated with the scholarship. तो teaching and learning का excellence कैसा है, उनका teaching में कैसा excellence है, किस तरह की quality provide की जा रही है teaching में, learning का outcome कैसा है. तो ये सारा जो teaching and learning process है वो एक तरह से closely associated है with the scholarship program. अगर teaching अच्छी होगी तो automatically learning भी बहुत innovative होगी, अच्छी होगी, and उससे scholarship मिलने के chances बढ़ जाते हैं. So it is totally associated with the scholarship programs. The next one is graduation outcome. अब उनका graduation outcome कैसे निकल कर आ रहा है, ठीक है. How many students are qualifying in graduation courses में कितने लोग qualify हो रहे हैं, तो ये भी एक outcome देखा जाता है. इस basis पे भी इनको rank किया जाता है. Now this parameter forms the ultimate test of effectiveness of the core teaching or learning. Outreach and inclusivity. The ranking framework lays special emphasis on representation of women. यहाँ पर हमने outreach and inclusivity के parameter की बात की है कि outreach क्या है, कितने दूर तक का, कितने दूर दराज तक वो education जा रहा है, and कितने लोगों को, कैसे लोगों को, कौन कौन से genders को आप include कर रहे हो, inclusivity. So the ranking framework lays special emphasis on representation of women. कि वोमेन कितना रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कितना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज परसेप्शन. द रैंकिंग मेथोडोलॉजी गिव्स अ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस टू द परसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशंस का क्या मानना है, क्या उनका परसेप्शन है, वो क्या सोचते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है रैंकिंग मेथोडोलॉजी पे. नाउ मूविंग ऑन, रैंक कैटेगराइजेशंस. अब कैसे ये रैंकिंग, मैंने आपको इंडिकेटर्स पैरामीटर्स के बारे में बताया, अब यहाँ पर है कि रैंकिंग जो होती है वो उनका कैटेगराइजेशन किया गया है, रैंकिंग्स का कैटेगराइजेशन किया गया है. नाउ द फर्स्ट वन इज टू ब्रॉड कैटेगरीज है, इनकी जो दो ब्रॉड कैटेगरीज में ये डिवाइड कर देते हैं. एक है, फर्स्ट वन इज पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस ये फर्स्ट वन है, एंड प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस ये सेकेंड है. So the publicly funded institutions, these institutions, ये कितने जो भी institutions हैं ये number one category में आते हैं, and the private or self-financed institutions second category में आते हैं. अब हम इनको further भी divide करते हैं, categorized करते हैं. The public funded institutions का मतलब आप क्या समझते हैं, public funded institutions का मतलब होता है कि publicly funded है. पब्लिकली फंडेड का मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, रिसर्च अच्छा हो रहा है, जो भी फंडिंग होती है, फंडिंग का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है. सो फंडिंग जो है वो पब्लिकली होती है, यानी कि गवर्नमेंट करती है उसकी फंडिंग. तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है
जहाँ पर गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट फंड कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, एंड प्राइवेट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं जहाँ पर वहाँ पर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती है, ठीक है। नाउ पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंडर में कौन कौन सी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नंबर वन है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, जो भी इंस्टीट्यूट जिनको कि ये रिमार्क मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस का उनको दर्जा मिला है, रिमार्क मिला है। सेकेंड जो नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, देन सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। देखिए आपको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि जो पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट फंड करती है, सीधी सी बात है ना। ये जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंड कर रही है तो इसका मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे यहाँ पर, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, वो भी गवर्नमेंट ही फंड कर रही है, सो यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, ठीक है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, जहाँ से सरकार उनको मदद कर रही है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस की भी बात हो रही है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर रही हैं, सेकेंड है कि गवर्नमेंट ऐसे कॉलेजेस या ऐसे इंस्टीट्यूट्स को फंड कर रही है, वो भी पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है, राइट। नाउ जो सेकेंड कैटेगराइजेशन है, जो सेकेंड कैटेगरी है वो है द प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कैटेगराइज्ड फर्दर इनटू। तो ये जो सेकेंड कैटेगरी मैंने आपको बताई कि प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर इनका जो फाइनेंस करता है यानी कि इनकी जो फंडिंग है वो कोई गवर्नमेंट नहीं करती है, यहाँ पर प्राइवेट होता है सब कुछ, यहाँ पर कौन करता है, स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज़, इस कैटेगरी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स। सो मैं फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हो गई, उसके अंडर नेशनल इम्पॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। नाउ जो सेकेंड कैटेगरी है वो है प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। नाउ नोट अ सिक्स्थ सब कैटेगरी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 टू एनकरेज वुमेन एंड ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी इन द एरियाज ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी ये नोट करने वाली बात है कि इस साल से 2020 से ये सिक्स सब कैटेगरी भी इंक्लूड कर दी गई है फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, टू एनकरेज वुमेन एंड ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी, कि वुमेन को एनकरेज किया जा सके, वही जो जेंडर पैरिटी है उसको हम ला सकें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में, उनका भी पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन हो। नाउ मूविंग ऑन, लिस्ट ऑफ टॉपर इंस्टीट्यूट्स इन 2020 की जो रैंकिंग अब देख लेते हैं कि आर्या ने क्या इनको रैंकिंग्स दी है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कैटेगरी। तो ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट पे रखा गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास ने टॉप किया है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है इस इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल यानी फर्स्ट वाली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कैटेगरी में रखा गया है।
Now the second one is Maharashtra Institute of Chemical Technology in the government and government aided universities के category में रखी गई है. तो second कौन है? Maharashtra Institute of Chemical Technology को किस category में रखा गया? Government and government aided university में. ये first number पे है. ठीक है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें है नंबर वन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास. नाउ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में नंबर वन पे किसको रखा गया? महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी. ओके, मूविंग ऑन. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी. नाउ कॉलेज की अगर हम बात करते कि कौन सा कॉलेज रखा गया है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में, तो ये है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे. राइट, नेक्स्ट वन इज ओडिशाज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT इन द प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज कैटेगरी. तो प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में ओडिशा का जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है वो उसने टॉप किया है. नेक्स्ट वन इज SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना इन द प्राइवेट कॉलेजेस कैटेगरी. तो ये प्राइवेट कॉलेजेस कैटेगरी में SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना को रखा गया है. ये नाम है और वो कहाँ पर है? तेलंगाना में. ये आप याद कर लीजिएगा. Now the next one is Avinashi Lingam Institute for Home Sciences and Higher Education, Coimbatore in the Higher Educational Institutions for Women category. So women category की ये जो field में किसको दिया गया है? First number पे top किया है Avinashi Lingam Institute for Home Sciences and Higher Education. ये important है and ये कहाँ पर है? ये भी आपको places भी ध्यान रखना है because कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट्स जो भी न्यूज़ में होते हैं और उन कहाँ पर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट कौन से सिटी में है, वो भी पूछा जाता है. ओके, टुडे आज का जो हमारा टॉपिक था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन, आई होप सो आपको समझ में आया है. अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल्सो फेसबुक पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. क्विजेस के लिए फ्री क्विज अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, MCQs में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट FB पेज मेरा ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो फॉर फ्री PDFs यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एग्जाम एडिक्ट.